भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में लगी है, एक एक करके सभी खबरों को देखिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसमें आज हम सरकार से मांग करते हैं, विभाग से भी मांग करते हैं, जिलों के जो जिम्मेदार हमारे अधिकारी हैं, जैसे कि जिलाधिकारी हैं और आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बाल विकास विभाग के, इन सब लोगों से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। कई जिलों में ऐसे लेटर भी निकल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जिलों में अभी अधिकारी इस बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। तो आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाए, बहनों तक भी शेयर करें, ताकि वो सब बहनें भी अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए मांग करें, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चों को लू और भीषण गर्मी से बचाया जा सके। क्योंकि अगर वो बीमार हो जाते हैं, लू लग जाती है, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को ही, उनके परिजन जो है, घर वाले जो लाभार्थी के मां बाप हैं, वो सब बहनों को ही जो है कोसेंगे। तो यहां पर अभी खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्देश्य आपने जो है जान लिया है। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं, मध्य प्रदेश के साजापुर जिले से सलमा भी बहन आती हैं, उन्होंने एक संदेश भेजा है अपनी साजापुर जिले की बहनों के लिए कि अप्रैल माह के जो 4500 रुपए केंद्र सरकार के जो रह गए थे वो भी आ गए हैं साजापुर जिले में। 2 जून को अभी साजापुर जिले में जो है आज ही पैसे आए हैं। उन्होंने कहा कि 5500 रुपया जो मई के थे राज्य सरकार के मध्य प्रदेश में, वो तो आ गए थे, रह गए थे 4500 केंद्र सरकार के, और वो आज जो है 2 जून को साजापुर जिले में आ गए हैं। तो बाकी जो है आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिएगा, भानुमती बहन आती हैं अमेठी जिले से, तो उत्तर प्रदेश से अमेठी जिले से आने वाली भानुमती सरोज बहन जो शाहगढ़ वगैरह से आती हैं, ब्लॉक इनका है और तहसील गौरीगंज है, जनपद इनका अमेठी है। इनका कहना है, सुधांशु भाई नमस्कार, भाई साहब हम आंगनबाड़ी बहनों ने अवकाश के लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। भाई साहब क्या गजब की नौकरी है, जो मोटी सैलरी पा रहे हैं उनकी छुट्टी है और हम बहनों को 5500 रुपया मिलता है, हम बहनों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। इतनी धूप में हम बहनों से ड्यूटी कराई जा रही है, हम बहनों की ड्यूटी देख के गांव के लोग हंसते हैं, ये कैसी नौकरी है। वाह रे सरकार, आंगनबाड़ी बहनों को पत्थर का बना दिया है ये सरकार, आंगनबाड़ी बहनों से कितना नफरत करती है। ये कुछ शब्द हैं जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं भानुमती सरोज, ब्लॉक शाहगढ़ से आती हैं, उन्हीं का अपना दुख है जो अपना ऑल इंडिया के जरिए पूरे बहनों तक जो है पहुंचाना चाहती हैं। सभी राज्यों के भाइयों बहनों देखिएगा, इस तपती धूप और भीषण गर्मी और लू में उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, जबकि 3 से 6 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं ऊपर के, उन बड़े बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है ताकि बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाया जाए। वहीं 3 से 6 वर्ष वाले के लिए पता नहीं सरकार, विभाग और इतने बड़े बड़े अफसरों की कैसी सोच रहती है जो उनको इस भीषण लू में बुलाते हैं। आगे देखिएगा, आदेश वगैरह आप देख रहे हैं, एक फूलमती बहन आती है, सॉरी फूल कुमारी हैं ये, और ये मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश से आती हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि मथुरा में एक लेटर अभी आया है, तो ये तीसरा मेरे ख्याल से लेटर है जो यहां पर उत्तर प्रदेश में, जो 3 जिलों में बस ऐसे लेटर देखने को मिले हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में भीषण गर्मी से जुड़े हुए हैं। आदेश में लिखा है, यहां पर नवनीत सिंह चहल हैं, देखो जिलाधिकारी मथुरा के, उन्होंने कहा है कि जनपद में कोविड की संभावित लहर और भीषण गर्मी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 15 जून 2022 तक घोषित किया जाता है। अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा केंद्रों को खोलते हुए शासकीय कार्य संपादित करके नियमानुसार पोषाहार वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, उक्त आदेश तत्काल प्रभावी रहेगा। तो देखिएगा,
यहां पर खैर बच्चों के लिए तो 15 जून तक इन्होंने अवकाश घोषित कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर कार्यकर्ती बहनों को छुट्टी नहीं है, वो अपने शासकीय कार्यों को संपादित करेंगी, नियमानुसार पोषाहार का वितरण करेंगी। चलो पोषाहार वितरण तो महीने में एक बार करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली केंद्रों पर जाकर के बहनें करेंगी तो फिर क्या करेंगी, इन सब चीजों पर भी काफी जो है दिक्कतें हैं। और वैसे भी जब 50-60 हजार पाने वाले सरकारी अध्यापक मास्टर जब इनकी छुट्टियां ग्रीष्मकालीन अवकाश में आराम से हो जाती हैं, घर में बैठते हैं, तो फिर यहां पर 5500 रुपए मात्र पाने वाली जो कर्मचारी की भी श्रेणी में जिनको काउंट नहीं करती है सरकार विभाग, अब ऐसे लोगों पर फिर इतना प्रेशर और धौंस क्यों दिखाया जाता है, आखिर इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश क्यों नहीं मिलता। गवर्नमेंट जब पैसे या अन्य शासकीय कर्मचारी वाले जो भी जो है लाभ देने की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि ये कार्यकर्ता समाज सेवी है और इनको जो है कर्मचारी की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाता, ये मानदेय कर्मी है और ये कर्मचारी वाले इनकी इनको चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहां पर फिर कर्मचारियों की तरह यहां पर ऑर्डर क्यों निकाल दिए जाते हैं और जबरन ऐसे काम क्यों लिए जाते हैं। समाज सेवी वो होता है जो स्वेच्छा से जितना अपना सहयोग कर सकता है काम करता है, उस पर किसी तरीके का दबाव प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वो होती है समाज सेवा। लेकिन यहां पर समाज सेवा का ढिंढोरा पीट करके कार्यकर्ता बहनों से बंधुआ मजदूरों वाले कार्य जो कराए जा रहे हैं वो पूरे देश में जो है जग जाहिर है, कहीं किसी भी राज्य में छिपे नहीं है, हर राज्य का आलम यही है। इधर बात करते हैं, आप देख रहे हैं रविकांत प्रजापति भाई जो है एडवोकेट है और इन्होंने भी जो है अपना आवाज वगैरह उठाई है और अखबार में छपी कुछ खबरें भी भेजी हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि लिखा है जेठ की तपिश से मासूमों को नहीं मिली छुट्टी और ये राम दशरथ यादव जी जो गोसाईगंज के हैं उनकी ये रिपोर्ट है। आइए इस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। ये जागरण वागरण में शायद छपा होगा, लिखा है मोहारी खुर्द आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से बात करती राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी। अब आप सोचिएगा जो छोटे छोटे बच्चों की छुट्टियां नहीं है वहीं इतने बड़े वाले बच्चों की सबकी छुट्टी चल रही है, वो घर में है, कहीं नानी के घर जा रहे हैं तो कहीं कहीं जा रहे हैं। अब आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको ना ही लू लगती है, ना ही गर्मी लगती है, ना ही जो इनको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, और ये धूप में भी बैठे रहेंगे तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लगता है हमारा बाल विकास विभाग और उच्चाधिकारी सोचते हैं और इसीलिए शायद यहाँ पर छुट्टियां कराना इनके लिए उचित नहीं समझते। लिखा है बीते करीब 10 दिनों से प्रसिद्ध स्कूलों के साथ ही निजी स्कूल व डिग्री कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र जेठ की तपिश में भी खुल रहे हैं। मंगलवार को एक केंद्र पर पहुंची राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य ने भी बच्चों को गर्मी से बेहाल देखा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगी। बाल विकास पुष्टा विभाग से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चे जाते हैं। कड़ाके की ठंड और गर्मी में स्कूल व कॉलेज इस आदेश के साथ में बंद कर दिए जाते हैं। जो स्कूल खुले मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों की सेहत के लिए केंद्रों पर प्रतिदिन कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। पहले केंद्रों पर बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता था, लेकिन अब महीने में एक बार कच्चा राशन दे दिया जाता है। तमाम अभिभावक अपने बच्चों को केंद्र पर नहीं भेजते हैं। गोसाईगंज के आंगनबाड़ी केंद्र मोहारी खुर्द पहुंची राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने केंद्र पर देखा कि हवा के लिए पंखा नहीं है, पानी के लिए लगा नल दूर है। उन्होंने बच्चों के साथ खेलने के साथ उनकी तकलीफों को भी महसूस किया। सुचिता ने प्रधान राम कुमार से फोन पर केंद्र में पंखा लगवाने और पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा। उनका कहना था कि कोविड और प्रतिकूल मौसम में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आयोग से पहले भी पत्र जारी हुआ। भीषण गर्मी के केंद्र बंद करने के लिए फिर से जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। और कर्मचारी संघ के नेता रामदेवी ने कहा कि कई बार मांग की गई है लेकिन केंद्रों के लिए विद्यालय की तरह से कोई आदेश नहीं हुआ है। गोसाईगंज परियोजना अधिकारी सरता सिंह का कहना था कि केंद्र बंद करने का कोई आदेश नहीं है। तो आदेश बिल्कुल नहीं है, आदेश किनको निकलना चाहिए, वो जिम्मेदार कहां है और महिला बाल विकास विभाग आखिर वो कहां है। लेटर निदेशालय से निकलना चाहिए था और समस्त जो है जिलों के डीपीओ और डीएम को लेटर भेजना चाहिए था, ऑटोमेटिक छुट्टियां हो जाती। जब भी होता है ऐसे ही लेटर निकलते, लेकिन इस बार आपने देखा है लापरवाहियों पर लापरवाहियां उत्तर प्रदेश में निदेशालय में बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो आप प्रमोशन का मामला ले लो, यूपी में 2017 से प्रक्रिया प्रस्तावित है और अभी तक उसको जो है अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया भी ऐसे ही जो है लटकी पड़ी है, किसी को नहीं पता कहां तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे ही आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश से भी वंचित जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर जो भी चीजें देख
देख रहे हैं इसमें लापरवाहियां हैं। अब आप सोचेगा गर्मी अब इतनी चरम पर है और वैसे भी जाने कब से छुट्टियां सबकी चल रही हैं आंगनबाड़ी पर, अब भी बच्चे आ रहे हैं। और दुख की बात तो यह है कि इनको दोपहर में कुछ भी खाने पीने का बंदोबस्त विभाग ने किया ही नहीं है पहले, और तमाम अभी भी राज्यों में इस समय भी जो है दोपहर का नाश्ता जो भी भोजन वगैरह है वो सब मिड डे मील योजना के तहत मिल रहा है। भले योजना का नाम बदल गया हो, दुनियादारी हो गया, लेकिन बच्चे तो वही है, भूख तो वही है, और जो है वो खाएंगे तो जरूर। अब दोपहर में तो उनको कुछ दे नहीं रहे, कच्चा राशन महीने में एक बार पहुंचा दे रहे हैं। अब क्या माँ बाप कितना अपने बच्चों को टिफिन में भर करके कच्चा राशन भेजेंगे? क्या बच्चे वहां पर बैठ करके गेहूं और चावल चबाएंगे? तो सोचिए और समझिए, विभाग को चाहिए। और इधर ये जब कुपोषण के आंकड़े आते हैं तो कोसते किसको है? आंगनबाड़ी वर्करों को, कि कुपोषण मिटाने में ये यहां पर सक्षम नहीं हो पा रही है। अरे भैया, दोपहर में आप पूरा दिन इनको भूखा बिठाए हो, गर्मी लू वगैरह में इनको जो है लू के थपेड़े खिला रहे हो, और खाना और जो भी जो सुपोषित होने के लिए जो खाना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है, उनको मिल क्या रहा है? लू मिल रही है। अब ये कुपोषित नहीं होंगे तो क्या होंगे? इतने जो है गर्मी में लू वगैरह में बच्चों को तमाम जो है बीमारियां जो है उनकी चपेट में आएंगे, चाहे वो लू लगने से ही बीमार पड़ जाएंगे और कुपोषित तो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। तो सोचिए, और वैसे इतनी गर्मी में बच्चे वैसे भी कुछ ढंग से खाते नहीं है गर्मी की वजह से, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते हैं, गर्मी में मन नहीं करेगा। अब सोचिएगा यहां पर कैसे क्या हो रहा है, और ये सब चीजें जो भी है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑल इंडिया काफी जो है यहां पर हताश है विभाग के इस उदासीनता भरी जो चीजों से, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी अभी तक तमाम जनपदों से लेटर मुझे देखने को नहीं मिले हैं। और चाहे सर्दियां आए तब भी यही करना पड़ता है, वहां पर भी बिना कहे समय पर कोई चीजें नहीं आती। जब प्राथमिक विद्यालयों से आप जोड़ करके शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको चाहिए जो प्राथमिक विद्यालयों में जो भी चीजें हो रही हैं वही सुख सुविधाएं यहां पर भी तो मिलने चाहिए। आप कर्मचारियों के साथ भी भेदभाव कर रहे हो, अध्यापकों को आप जो एक मोटी सैलरी दे रहे हो उनके लिए छुट्टी कर रहे हो, घर में बैठे हैं, वही कर्मचारी जो 5500 पा रहे हैं उनको आप जो केंद्रों पर जो है बुला रहे हो दोपहर में, और उनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं 3 से 6 वर्ष के उनको भी आप जो है इस गर्मी में उनको भी वहीं पर बुला रहे हो। और कितनी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार या इनकी छोड़ो किसी भी राज्य में चले जाओ, आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा हर किसी से जो है यहां पर उनको यानी पता है, किसी से छुपी नहीं है। तो आप यहाँ पर इन चीजों का अंदाजा लगाइए। और अधिकारी और हमारे जो नेता लोग क्या करते हैं, जाते वहीं सेंटरों पर हैं जहां के सेंटरों की सुविधाएं बढ़िया होती है, यानी पहले से वहां पर सब ठीक ठाक करा दिया फिर वहीं पर जाएंगे, क्योंकि उनके जाने के साथ साथ वहां मीडिया भी तो पहुंचेगा, और जहां मीडिया जाएगा फोटो भी ली जाएंगी, तो केंद्र की गुणवत्ता भी तो जो इधर उधर फिर जाएगी। तो इसलिए वहां पर जाते हैं जहां पर सारी सुविधाएं पहले से होती हैं, वहां बिजली पंखा और बच्चों के लिए मेज कुर्सी सब मिलेगा। अब हजारों क्या लाखों की संख्या में ऐसे केंद्र हैं जहां पर सुख सुविधाएं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बहुत सी वर्कर तो ऐसी हैं जिनके पास छत तक नहीं है, वो कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके अपना चला रही है। काफी जो है यहां पर विद्यालयों में चला रही थी प्राथमिक वाले, तो वहां के अध्यापकों उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया। तमाम बहनों के ऐसे जो है दुख दर्द आते रहते हैं, ऑल इंडिया उठाता रहता है, लेकिन संज्ञान इस पर विभाग कुछ नहीं ले पा रहा है, समस्याओं का समाधान ढंग से नहीं हो पा रहा है, लापरवाहियां जरूर हो रही हैं। तो ये गोसाईगंज का आपने मैटर एक देखा, और रविकांत प्रजापति भाई ने मैटर को उठाया भी है, ऑल इंडिया को भी भेजा है, साथ ही अखबार में भी उठाया गया, उसके लिए भी ऑल इंडिया बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता है। साथ ही साथ आगे और बताते हैं, सुमति शर्मा बहन आती है कानपुर नगर से, इनका कहना है, सुधांशु भैया नमस्ते, आप हम बहनों के लिए ग्रीष्मावकाश की मांग करते रहते हैं किंतु अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगते हैं। ऐसे ही एक जिला स्तरीय अधिकारी कल 1 जून को टीकाकरण में निरीक्षण करने के लिए आए तो बोले, तुम लोग फील्ड वर्कर हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती होगी। ऐतराज करने पर बोले, मैं तो एसी गाड़ी से निकल करके बैठा हूं, मुझे गर्मी नहीं लगती, तो तुम लोगों को कैसे गर्मी जो है यहां पर लग रही है? लेकिन भैया केंद्र में 10 मिनट बैठने के बाद गाड़ी में जाकर के बैठ गए, साथ में आए सर से कहा इनका मोबाइल नंबर ले लो, बाद में पूछ लेना। बताओ भैया, ऐसे अधिकारी होंगे तो गर्मी का अवकाश कैसे होगा? अब आप समझ रहे हैं चीजों को, कि जो एसी में बैठ करके हवा खा रहे हैं उनको मात्र केंद्र पर निरीक्षण करते समय जो इनसे यहां पर इतना बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी। अब आप सोचो, उसमें पूरा दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें गुजारती हैं, उनसे कैसे चीजें हैंडल होंगी, और वहां पर नन्हे मुन्ने 3 से 6 वर्ष के बच्चे कैसे इस प्रेशर को गर्मी का जो है वहां पर उसको झेल पाएंगे। तो सोचिए, अब इस मांग को आगे उठाइए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर आंगनबाड़ी मैपिंग जो एप्लीकेशन है जिससे आंगनबाड़ी सेंटरों की जियो टैगिंग की जा रही है, इसके संबंध में आपको आज दोपहर को हमने एक वीडियो दे दिया
डाला है, ऑल इंडिया पर ही डाला है, स्वयं से मैंने बनाया है और आपने उसको जो है देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना और सीख लेना कैसे जो है केंद्रों का जियो टैगिंग करना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मीना देवी बहन आती है हरदोई से और उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है। वैसे मैं इस फोटो को फेक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। देखो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया यहां तक कि बड़े बड़े अखबारों में भी फेक तरीके से प्रकाशित कर दी जाती हैं। आपने कानपुर का मैटर, भर्ती वाला मैटर देखा ही था जिसमें बिना भर्ती के ही भर्ती निकाल दी गई। अब इस तरह से वो तो चीजों का विभाग ने हमारे खंडन भी कर दिया, लेकिन अब इसका खंडन कौन करेगा। देखिए मीना बहन आती हरदोई से, उन्होंने एक ये फोटो भेजी जिसमें लिखा है सशक्त महिला उन्नत प्रदेश, आधी आबादी का बजट में रखा ख्याल और 72 करोड़ से महिलाओं को रोजगार, 20 करोड़ मिशन शक्ति अभियान के लिए 3 महिला बटालियनों का गठन। यहां तक जो भी है वो तो सब सही है क्योंकि इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन हां आंगनबाड़ी वर्करों का ये यहां पर एक परिवार है ऑल इंडिया। अब यहां पर तो इतना तो सब बहनों को पता है जो इसमें लिखा है कि 15,500 रुपया पर माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रोत्साहन राशि। अब आप सोचिएगा इसको तो हर आंगनबाड़ी बहने, सहायिका बहने, मिनी बहने कहेंगी कि यह फर्जी है और फेक है। अब इस तरह से चीजें प्रकाशित अगर होंगी तो बहनों के सामने एक क्या संदेश जाएगा। आप जनता को भले उल्लू बना लें कि कार्यकर्ताओं को इतना इतना सब कुछ मिल रहा है, कार्यकर्ता बहुत पैसे वाली, इनको गवर्नमेंट बहुत दे रही है, लेकिन ये कुछ नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं 15,500 का अगर कहीं प्रावधान है यूपी में तो उसका कोई लेटर कोई दिखा दे या यही जो जिन लोगों ने छापा होगा वही दिखा दे। तो यहां पर इस तरह से इनकी भी गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने कुछ एक अखबार में भी इसके बारे में कटिंग देखी थी, मैंने उसको दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता हूं वो फर्जी है। अब इस आज दिखाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सी बहनें इस चीज को हमारे पास बहुत ज्यादा शेयर कर रही हैं ये कहने के लिए क्या भाई ये सही है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। 15,500 रुपया प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान नहीं है, केवल 1,500 रुपया प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। तो जो है इस तरह से ये चीजें गलत जो प्रकाशित की जा रही है, बहनों को अंधेरे में रखा जा रहा है। इसीलिए कहता है कि आप फर्जी की चीजों की तरफ मत भागिए, जो ऑल इंडिया आपको बताएगा वो 100% चीजें सत्य होंगी। इधर बात करते हैं, यहां पर श्रीमती अलका आम्रपाली हैं जो है समस्तीपुर बिहार से आती हैं और इनका जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का एक लेटर है बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कल्याणपुर और समस्तीपुर ग्रामीण वगैरह के लिए, और ये 1 जून को कल लेटर जारी हुआ है। वृद्धि निगरानी के आंकड़ों की सत्यता का आकलन करने के संबंध में है, तो आइए इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक एक खबर है। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत समस्तीपुर जिले में वृद्धि निगरानी के आंकड़ों का जो सत्यापन है, अनुश्रवण है, इसके लिए राज्य स्तरीय टीम गठित की गई है। भ्रमण के लिए कल्याणपुर और समस्तीपुर ग्रामीण परियोजना का चयन भी किया गया है। यहां पर जो है निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है, जिनमें कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो पहली है कि परियोजना के अंतर्गत 2 सेक्टर का चयन करके चयनित सेक्टर से कम से कम 3-3 आंगनबाड़ी के लगभग 400 बच्चों का वजन और ऊंचाई लिया जाना है एवं विहित प्रपत्र में आंकड़ों का संग्रह भी किया जाना है। साथ ही दूसरा इनका है कि उक्त जो है हेतु सेविका सहायिका के द्वारा 0 से 59 माह के बच्चों को चिन्हित किया जाना है जिनका वर्तमान में वजन लिया गया है। साथ ही महिला पर्यवेक्षिका एवं परियोजना समन्वयक द्वारा ILA मॉड्यूल 8 के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए राज्य स्तरीय जांच दल को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समस्तीपुर बिहार से। अब देखिएगा आप लोगों को याद होगा ये जो मॉड्यूल है ILA वगैरह वाले जो प्रशिक्षण टाइप के, अब इसके बारे में यूपी में आपको लगता है 1 साल पहले चीजें बताई जा चुकी हैं, यहां पर 1 साल पहले चीजें हो गई हैं। अब आप सोचिएगा इन मॉड्यूलों को लेकर के, इसीलिए कहता हूं खबरें कहीं से भी आए आप उनको पूरा देखें ताकि जो है कभी ना कभी आपके राज्यों में भी वही चीजें धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगी, क्योंकि भैया सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। लेटर अगर आज निकले हैं काम कहीं आपको 2-3 महीना बाद देखने को मिलेगा, और वहीं पर अगर रोजगार पेशों की अगर बात करें भर्ती की प्रमोशन की तो उसमें तो आप लोगों को पता हो गया है पंचवर्षीय गुजर जाती है लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। यूपी सरकार के आने से जो है पहले से जो है चीजें प्रस्तावित 2017 से जो है चीजें चल रही थी यूपी में और अभी तक नहीं हो पाई, दोबारा सरकार सत्ता में आई और फिर भी अभी उस पर कुछ भी पता नहीं है कि आगे कहां तक कार्रवाइयां हो पाई हैं। वहीं पर जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पता चलता है निदेशालय वाले DPO लोगों को सेंड कर देते हैं और खबर जो है समस्या का निस्तारण जो है कर देते हैं डायरेक्ट।
जबकि निदेशालय वालों को जवाब देना चाहिए और वहां से कोई जवाब नहीं आता। इधर देखिएगा, रीता सिन्हा बहन आती है समस्तीपुर से, उनके द्वारा के भेजा गया था। साथ ही आपको बता दें पोस्टर ट्रैकर पर बच्चों का आधार वेरीफाई कैसे करें उसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। साथ ही जो है बच्चे को एक को डिलीट करके उसका चेक करेंगे, अगर हो जाएगा फिर आपको हम बताएंगे, फिर आप उस तरीके से करना। अभी जो मैंने आपको जियो मैपिंग वाला दिया था, जियो टैगिंग वाला, आप उसको करिएगा, वो बहुत जरूरी है। इधर बात करते समाना बहन आती है बिजनौर से, इनका कहना है कि वार्ड सात में वार्ड सात से लेकर के 15 तक की समस्त आंगनबाड़ी बहनों को आज 2 तारीख को 11 बजे साड़ी लेने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उनको वहां पर बोला गया था, समाना बहने के मैसेज भेजा था। साथ ही ज्योतिर्मया शुक्ला आती है बहन प्रयागराज से, और कुछ और भी बहने हैं, ये सुखदेवी वर्मा बहन आती है महाराजगंज से, साथ ही एक ये बहन है अनीता यादव रामपुर से, और ये एक बहन है मधु जो की फतेहपुर से। इनके द्वारा ये कुछ स्लोगन टाइप के लिखे जा रहे हैं गाँव गाँव में जाकर के दीवारों पर। और ये है सरिता बहन हरदोई से, और साथ ही ये बहन है तनवीर जहां आजमगढ़ से, और ये एक बहन है सूरजकली रायबरेली से, लास्ट में एक बहन है ज्योत्सना गुप्ता जो औरैया से आती है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। एक बार जाते जाते फिर कहना चाहूंगा कि अपने अपने जिलों में प्रयास करिए आंगनबाड़ी सेंटरों पर जो है यहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए, और निदेशालय वालों को इस बारे में लेटर निकालना चाहिए, समस्त जनपदों के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अलग अलग 75 जिलों से लेटर निकालने में बहुत समय लग जाएगा, और कहीं कहीं के अधिकारी हो सकता है निकालेंगे भी नहीं।